कर दो। वो कहते हैं ना ख्वाहिशों का कैदी हूँ और हकीकत मुझे सजा देती है, आसान चीजों का शौक नहीं है मुझे क्योंकि मुश्किलें मुझे मजा देती है। वीडियो को बनाने का मकसद क्या है कि हम आज हरियाणा पुलिस के प्रोटेस्ट में आए हुए थे और वहां पर इतने सारे बच्चे मिले, तो जाते टाइम मैंने सोचा कि सिस्टर ममता से मैं मिलता चलूं, लेकिन यहां आने के बाद पता चला कि कितने सारे हमारे बहनें और भाई यहां पर जॉब लगे हुए हैं और ये बता रहे थे सर आपकी 10.5 घंटे की क्लास ली, कोई ट्विटर ऑफ हरियाणा के बारे में बता रहा था, एक अध्यापक की रियल कमाई क्या होती है, उसके बच्चे होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर पंचकूला में ट्रेनिंग के लिए, ये ऑफिसर आए हुए हैं, नर्सिंग ऑफिसर आए हुए हैं और सभी इनके चेहरे की खुशी को देख लो आप किसी फेयर एंड लवली की मतलब है जब जॉब नहीं जाओगे ना ये जॉब ये गलो है अपने आप आएगा। और मैं खुद को आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज इतने सारे बच्चे मेरे को एक साथ है मिले हैं, तो प्यारे बच्चों आप भी मेहनत करते रहिए, आप भी जरूर जॉब लगोगे, थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ये हमारे साथ जैन सर है नरवाना से, ये अमित भाई है और संदीप भाई वीडियो बना रहे हैं और ये सारी हमारी फौज है सारे हमारे ऑफिसर है, और ये मतलब मैं तो इनसे यही कहूंगा कि आप है ना हो सके उतना जरूरतमंदों की क्या करनी है आपको सहायता करनी है सभी।